नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपके जो लेसन नंबर 11 है उसके जो अंकिक महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में। तो अपन इसमें लगभग सभी अंकिक प्रश्नों को कवर करेंगे, नहीं तो अपन जो सिमिलर है बिल्कुल एक जैसे है उनमें से आपको ये बता देंगे कि ये बिल्कुल एक जैसा, इसका सिर्फ संख्या में चेंज होगा, तो उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। ताकि आपका ये जो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर 11वां पार्ट बहुत मुश्किल है, उसके अंकिक प्रश्न हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, या जिन्होंने कहा था सर आपने जो महत्वपूर्ण अंकिक प्रश्न बताए उसको हल करा दीजिए, तो अपन उसी के बारे में बात करते हैं। तो 11वें पार्ट के अपन देखते हैं महत्वपूर्ण अंकिक प्रश्न कौन कौन से हैं, फिर उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होने वाला है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं निश्चित से कह सकता हूँ आपका जो अंकिक प्रश्न 11वें पार्ट में से बहुत ज्यादा चांसेस है कि अंकिक प्रश्न ही आते हैं, तो आपके दोनों के दोनों अंकिक प्रश्न छूटेंगे नहीं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप 11वां पार्ट पूरा कवर करना चाहते हैं अंकिक प्रश्न के सहित, तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर उसके बाद में आप कह सकते हैं कि इसमें से अगर कोई भी अंकिक प्रश्न आ जाए तो आप उसको हल कर सकते हो। तो इसके अंदर अपन सबसे पहला उदाहरण देखते हैं। जब वस्तु को देखो इस तरह से एक जगह से खींच के यहां से और इस वस्तु को यहां पर ले जाए, यानी धरती के ऊपर ऐसे खिसका है, ठीक है, एक दूरी से दूसरी दूरी पर इधर ले जाए, तो अपन कैसे खींच के ले जाए चाहे कैसे ले जाए, तो अपने को सूत्र कौन सा लगाना है, कार्य का अलग सूत्र लगाना है। और जब वस्तु को ऊंचाई पर, ठीक है, धरती से ऊपर ले जाए या नीचे लाए, ठीक है, तो अलग सूत्र लगाना है। तो देखते हैं कौन सा लगाना है और सवाल को कैसे करना, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो आपको देखो ये कह रहा है एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को, यहां पर है 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बन रहा है, तो इस वस्तु से 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखो चित्र ऐसे बन रहा है कि ये जो वस्तु है, मान लो ये वस्तु है, इसको वो यहां पर ऐसे खींच रहा है कि ये कोण बना रहा है 30 डिग्री का, और यहां से खींच के और यहां तक ले जाता है, ये दूरी है 20 मीटर की और ये जो कोण बन रहा है 30। तो देखो इसको हल कैसे करेंगे, तो आपको दिया हुआ क्या है, बल कितना दिया हुआ है, बल यानी एफ कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन, ठीक है, और कोण कितना दिया हुआ है, कोण यानी थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और विस्थापन यानी एस कितना दिया हुआ है 20 मीटर। तो आप लगाएंगे कार्य का सूत्र, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य को किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से, डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा ये कार्य का सूत्र होता है, याद रखेंगे। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन ये कार्य का सूत्र होता है। लेकिन जब कोण आ जाता है किसी कोण पे तो इसके साथ कॉस थीटा रख देते हैं, तो यहां पर मान लेते हैं एफ का मान कितना है, देखो 5 दिया हुआ है, एस का मान कितना है 20, और कॉस थीटा, कॉस का मान कितना है यहां पर 30, 5 को 20 से गुणा करेंगे 100, कॉस थीटा का मान कितना होता है √3/2, तो ये इससे कटेगा तो 50, यानी 50√3, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, तो 50√3 जूल या √3 का मानक 1.73 और इससे गुणा भी कर सकते हैं। तो इस तरह का सवाल आया आपको, जब वस्तु को इधर खींच के इधर ले जाए, यानी जमीन के ऊपर ही खिसका के इधर चाहे इधर ले जाए, तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र लगाएंगे एफ एस कॉस थीटा वाला, ध्यान रखिए इसको अच्छी तरह, ये सूत्र आपको तब लगाना है। आगे का सवाल देखते हैं, तो आपको ऊंचाई वाला बताते हैं वो किस प्रकार करना है। इसके बाद देखते हैं अपना अगले टाइप का सवाल है, जिसमें अपन क्या करते हैं किसी वस्तु को जमीन से या तो ऊपर उठा के ले जाते हैं, ये वस्तु है या मान लो उठा के इतना ऊंचा लेके, ठीक है, या ऊपर से नीचे ले जाते हैं, तो कौन सा सूत्र लगाना अपने को कार्य का, तो अपन देखो इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं, ये सवाल आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे एक ही जैसे सवाल है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये सारे के सारे किताब के अंदर आपके सवाल अलग अलग दिए हुए हैं, तो सारे के सारे सवाल आप इसको कर सकते हो। तो देखो क्या सवाल है, पहला, एक सफर में जाते समय आप एक 12 केजी के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर, देखो ऊपर की ओर आ गया, यानी धरती से उठाकर ऊपर ला रहा है,
अपनी पीठ पर रखते हैं तो थैले द्वारा किया गया कार्य की गणना करो, ठीक है। दूसरा दिया एक केजी द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई पर, देखो 4 मीटर ऊंचाई यानी धरती से ऊंचाई पर लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, सेम उसी तरह का सवाल है। अगला देखो, एक मशीन 40 केजी की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई, फिर देखो मशीन क्या कर रही है, एक वस्तु है जिसका ये है द्रव्यमान और उसको इतनी ऊंचाई पर उठा रही है, तो किए गए कार्य की गणना करो। फिर से अगला सवाल है, एक 6 केजी की वस्तु 5 मीटर ऊंचाई पर गिर 5 मीटर ऊंचाई से गिरती है तो वस्तु द्वारा देखो ऊपर से नीचे जा रही है, तो देखो यहां पर भले ही स्थिति जुड़ता लिखा हुआ हो, भले ही स्थिति ऊर्जा लिखा हो, स्थिति ऊर्जा उतनी होगी जितना इसके अंदर कार्य होगा। तो देखो अपन इसको में से एक सवाल को कर लेते हैं, चाहे आप कोई सा भी सवाल ले लो, आप इसके अंदर से कोई सा भी सवाल ले लो, सारे एक तरह के हैं। तो देखो समय दिया हुआ है तो अपन इसका लिख लेते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, एम से। कितना है, जैसे मान लो पहला सवाल कर रहे तो केजी, इसमें देखो 1 केजी, इसमें 40 केजी और इसमें 6 केजी, सब में द्रव्यमान ही हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अपने को लिखना है ऊंचाई, ऊंचाई को किससे लिखते हैं, h से। पहले सवाल में कितना है 1.5 मीटर, सब में ऊंचाई मीटर में होनी चाहिए, ये मीटर में। अब देखो अपने यहां पर एक नियतांक लेते हैं g, g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, यानी सब चीजों को प्रति अपनी तरफ खींचती है, तो ये क्या होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका मान होता है g का मान, वो अपन इस सूत्र में यूज करेंगे, ठीक है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, कार्य, तो यहां पर कार्य बराबर सूत्र होता है W बराबर mgh, ये कब लगाना है आपको सूत्र, जब आपकी वस्तु क्या हो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गिर रही हो, या तो आप नीचे से ऊपर ले जाए या ऊपर से नीचे गिराए, तो आपको ये सूत्र लगाना है। अब देखो m का मान कितना है सवाल में 12, g का मान आपको कितना रखना है 10 और एच का मान कितना है 1.5, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो अपने पास 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट गया, 12 को 15 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 180 और जूल लगा देंगे। अब कोई सा भी सवाल हो आपको जी का मान यही रखना है, जब द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, द्रव्यमान और भार, अपन जो केजी के अंदर बताते हैं वो सारा का सारा क्या होता है, द्रव्यमान होता है, भार किसमें होता है, न्यूटन में, जो अपने पिछला सवाल किया था उसमें सवाल में यूज किया था न्यूटन, जब आपको पहले से न्यूटन में दे दे, हमेशा ध्यान रखना अगर आपको भार ज्ञात करना होता है तो भार बराबर होता है द्रव्यमान, यानी भार बराबर होता है एम और जी, दोनों की गुणा कर देते हैं तो अपने पास भार आ जाता है। कई बार ये दे देता है, ये न्यूटन के अंदर पहले से ही दे देता है, यानी इसने पहले से इन दोनों की गुणा करा के एम और जी की गुणा करा के दी हुई होती है, तो थोड़ा सा वो ध्यान रखना है, एम और जी की गुणा करा के दे तो नहीं रखी। तो देखो एक साथ में अपन 4 सवाल हो गए, सब में द्रव्यमान अलग रखेंगे, ऊंचाई अलग रखेंगे और ये सूत्र लगाएंगे, तो ये सूत्र आपको कब लगाना है, जब ऊंचाई से ये दे रखा हो तो आपको ये सूत्र लगाना है। मैं कह रहा हूं आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे 100% आपको गारंटी के साथ इसमें से कोई सवाल छूटेगा नहीं, आपको जो बहुत मुश्किल लग रहा था कह रहा हूं पार्ट नहीं छूटेगा 1%, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, देखो किस तरह से मैंने सवाल को समझाया है, इस तरह से आप सवाल को करेंगे तो आपको सवाल भी समझ में आ जाएंगे सारे किस तरह के सवाल है और आप उसको कर भी आसानी से सकते हो। इसके बाद देखते हैं अगले टाइप का सवाल, देखो ये जो 4 सवाल है आपके बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये चारों भी एक जैसे हैं बिल्कुल, तो देखो इसको बिल्कुल आराम से करेंगे आपको समझ में आएगा। देखो चारों सवाल पहले पढ़ लेते हैं, देखो क्या क्या हुआ है, एक 60 केजी का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है तो उसके द्वारा वह की गई शक्ति ज्ञात करनी है, यानी फिर से ऊंचाई जा रहा है ठीक है तो अपन शक्ति ज्ञात करनी है। दूसरा देखो एक लिफ्ट 5 मिनट में 300 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है तो लिफ्ट में उसमें रखे सामान का द्रव्यमान 1000 केजी हो तो लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य और शक्ति की गणना करनी है। फिर से वैसा ही सवाल, लिफ्ट भी ऊपर जाती है। अगला सवाल देखो आपको कहा हुआ है 30 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाने में 1 मिनट लगता है तो उसके द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए। फिर से शक्ति का गया। अगला सवाल देखो एक इंजन द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए जो 200 केजी द्रव्यमान को 50 मीटर ऊंचाई तक 10 सेकंड में उठा ले जाता है, ठीक है। तो अपन इसका हल देखते हैं, सारे के सारे सवाल आपको मैं बता देता हूं एक ही जैसे हैं, तो सब में सबसे पहले अपन लिख लेते हैं द्रव्यमान। आपको इसमें से जो सबसे मुश्किल सवाल लिख रहा है लग रहा है वही अपन करेंगे, तो आपको इसमें से सबसे मुश्किल कौन सा लग रहा है, ये सेकंड वाला, अगर आपको 6ठा सवाल मुश्किल लग रहा है तो अपन ये ही कर लेते हैं, अगर आपको कोई और भी लग रहा है तो आप वो करके देखेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। द्रव्यमान कितना इसने के अंदर गिरा 1000 केजी, 1000 केजी, उसके बाद ऊंचाई दी गई है वो ऊंचाई भी लिख लेते हैं, ऊंचाई कितनी है वो है 300 मीटर, ऊंचाई है वो है 300 मीटर, और एक और चीज दी होगी इसमें समय, समय कितना दिया हुआ है इसके अंदर, आपको दिया हुआ है
समय 5 मिनट। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, द्रव्यमान हमेशा केजी में होना चाहिए तो केजी में, ऊंचाई हमेशा मीटर में होनी चाहिए तो मीटर में, समय सेकंड के अंदर होना चाहिए, किस में होना चाहिए, सेकंड में। तो समय सेकंड में निकाल लेते हैं, 5 × 60 यानी 300 सेकंड, समय कितना आ गया 300 सेकंड। अब अपन पहले इसका कार्य निकालेंगे, तो कार्य बराबर अपन क्या होता है एम जी एच, कार्य बराबर क्या होता है एम जी एच, एम का मान कितना है यहाँ पे 1000, जी का मान कितना होता है 10 और एच का मान कितना है 300, तो इसका गुणा किया तो अपने पास कितना आ जाएगा 3, 4, 5, 6 जीरो लगा देंगे इसके आगे, टोटल 6 जीरो है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या आ गया अपने पास कार्य आ गया, ये क्या आ गया कार्य। अब अपने निकालना है इसकी शक्ति, तो शक्ति का सूत्र होता है शक्ति यानी पी बराबर होता है, तो देखो शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय, तो ये अपने लगा दिया। अब देखो इसका मान लिखते हैं, यानी शक्ति को लिखते हैं पी से, क्या होता है डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू की जगह एम जी एच बटे टी, ये भी लगा सकते हैं। तो इसका मान रखो, डब्ल्यू का मान कितना निकाला आपने, ये रहा ये डब्ल्यू का मान है बटे टी, टी कितना है समय 300 सेकंड, 300 सेकंड को 2 जीरो से 2 जीरो कटोगे, ये 3 के पड़े से कटेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 वॉट, 10,000 वॉट कह दो, या इसको 10 किलोवाट भी कह सकते हैं, किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1000 से बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 किलोवाट। तो ये अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। देखो अपने क्या क्या निकालना था इस सवाल में, दोनों अलग अलग निकालने थे, देखो अलग अलग है, आपको कार्य अलग पूछा हुआ है, यानी इसके अंदर कार्य भी ज्ञात करना था आपको और शक्ति भी ज्ञात करनी थी, तो पहले ये कार्य निकाल दिए, ये रहा कार्य इतना आ गया, उसके बाद शक्ति निकालने का ये तरीका होता है। तो पहले एमजीएच से कार्य निकाल दिया क्योंकि वस्तु को ऊपर उठाना है, देखो सभी में शक्ति ज्ञात करना है, सभी में देखो इसमें भी शक्ति ज्ञात करना था, इसमें भी कार्य और शक्ति ज्ञात करना था, इसमें भी शक्ति, इसमें भी शक्ति, तो शक्ति बराबर अपन सूत्र लगाते हैं, ये रहा कार्य बटा समय, पहले कार्य निकालना पड़ेगा फिर अपन उसको T बराबर W अपॉन T, W का मान होता है MGH से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें कोई सा भी सवाल ले लो, आपको चीज ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि समय अपना है वो मिनटों में नहीं रखना है, यहाँ पर किस में रखना है सेकंड में। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है 1 मिनट, तो अपन क्या रखेंगे 60 सेकंड इसकी जगह, पहले सवाल में दिया हुआ था आपको 30 सेकंड में दिया हुआ है तो सेकंड का सेकंड रखेंगे, दूसरे सवाल में मिनट दिया हुआ था तो इसको चेंज करेंगे, तीसरे सवाल में देखो क्या दिया हुआ है 1 मिनट तो इसको चेंज करेंगे, चौथे सवाल में आपको दिया हुआ है 10 सेकंड, तो ये जैसे के जैसे वैसा ही रहेगा पर यूज करेंगे। तो ध्यान रखना समय को चेंज करना है थोड़ा सा, बाकी सवाल वैसा का वैसा बिल्कुल। तो ये देखो इस तरह का कोई भी सवाल आता है आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये सारे के सारे आपकी बुक के ही उदाहरण है, कोई सवाल है आपके पूछे अंकित पर्सन दिया हुआ है नहीं तो आपके उदाहरण ही है। इसके बाद अगले टाइप के जो सवाल है उसमें क्या है अपने को कार्य फिर से ज्ञात करना है, लेकिन देखो आपको क्या दिया है 100 केजी द्रव्यमान की एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, यह मोटरसाइकिल का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी इस वेग पर चल रही है इस वेग तक पहुंचाने के लिए इसको कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी दो वेग दिए हुए आपको, कितने वेग दिए हुए 2 वेग दिए हुए और साथ में एक द्रव्यमान दिया हुआ है, ऐसा सवाल है। अगला सवाल देखो 2 मीटर प्रति सेकंड वेग फिर से वेग क्या है से चल रहे 40 केजी द्रव्यमान हो गया के बल से चला जाता है, जिससे उसका वेग बढ़कर 5 मीटर प्रति सेकंड, ये 2 मीटर प्रति सेकंड है ये 5 मीटर प्रति सेकंड, दो वेग आ गया अलग अलग तो उसके द्वारा कार्य। तो आपको इस तरह के सवाल में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लिख लेना है उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान द्रव्यमान को किससे लिखते हैं एम से, कितना है जैसे मान लो दूसरा सवाल करते हैं तो ये केजी 40 केजी, ठीक है द्रव्यमान केजी में होना चाहिए। उसके बाद प्रारंभिक वेग को लिखते हैं यू से, कितना होता है यहां पर दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ आपको इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा जो दिया हुआ है उसको मीटर प्रति सेकंड में इसका जितना भी मान है उसको 5/18 से गुणा कर दो तो आपके पास वो आ जाएगा, जैसे यहाँ 20 दिया हुआ है 20 किलोमीटर तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो आपके पास मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। उसके बाद अंतिम वेग,
अंतिम वेग आपको दे रखा है v, कितना दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड, u और v दिया हुआ है। तो किया गया कार्य, अब अपने को निकालना है यहां पर कार्य, किसे लिखते हैं w बराबर 1/2, उसके बाद आएगा m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये सूत्र लगाना है आपको, जब दो वेग दिए हो, v स्क्वायर माइनस यानी अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर, मान रख दो 1/2, m का मान कितना है 40 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहां इसे कट हो जाएगा तो कितना बचेगा 20, 40 को काटा 2 से 20, अब यहां देखो 20 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 20 इंटू ये जाएगा तो 21, 20 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 420 जूल, कितना आ गया 420 जूल। ऊपर वाला सवाल देखो, ये नीचे वाला सवाल क्या, ऊपर वाले में अपने को क्या करना है, बाकी द्रव्यमान तो आपको ये दिया हुआ 100 केजी, द्रव्यमान कितना हो जाएगा 100 केजी, लेकिन आपको दोनों चेंज करना पड़ेगा, यू बराबर आपको दिया हुआ 20, तो इसको चेंज करेंगे 5/18 से, तो ये कटेगा, फिर अपन निकालेंगे ये 9 ये 10, तो ये आ जाएगा 50/9, आप इसको ऐसे ही रखें, और वी बराबर निकालना है तो कितना दिया हुआ है, वी बराबर निकालने के लिए 40 करना है, तो 40 इंटू 5/18, तो ये इसे कटेगा, यह आ जाएगा 20 और यह आ जाएगा 9, यानी 100/9 मीटर प्रति सेकेंड, ये मीटर। अब ये u और v का मान ये रखेंगे यहाँ पे, जैसे ये रखा है वैसे ही इसको आगे ऐसे हल करेंगे, तो आप इस तरह के सवाल भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन दिखने में आपको बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन है नहीं, बिल्कुल आसान है, इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल आसान। द्रव्यमान प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, फिर सूत्र लगाना है, ये देखो ये आपको सूत्र याद करना है, कार्य बराबर कितना कार्य करना पड़ेगा, तो ये ऐसा कार्य, ये सूत्र है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जब दो वेग दे रखे हो, एक वेग कम और एक ज्यादा, तो ज्यादा वाला वेग अपने को क्या मानना है, अंतिम वेग, और कम वाला प्रारंभिक वेग, तो इस तरह से इस प्रकार के सवाल को कर सकते हैं। अगले टाइप के सवाल देखते हैं, जिसमें अपन है एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा, यानी आपको गतिज ऊर्जा दी हुई है, यदि उस वस्तु का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है तो उसका वेग ज्ञात करना है। देखो ये तीनों सवाल एक जैसे हैं, इसमें थोड़ा अलग पूछा हुआ है, लेकिन सवाल एक ही सूत्र से होंगे। अगला दिया हुआ है एक बंदूक से दागी गई गोली इस वेग से निकलती है, यदि गोली का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है तो आपको गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। देखो गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अगला दिया एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान ये है, वेग है ये, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये है, तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, गतिज ऊर्जा। तो अपने को सवाल का एक ही सूत्र से करना है, तो देखो अपन सवाल नंबर करके देखते हैं 13, ये जो सवाल है उसको करके देखते हैं 13 नंबर वाला। तो देखो आपको सबसे पहले द्रव्यमान पता होना चाहिए, और द्रव्यमान का मान किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, तो द्रव्यमान कितना है यहां पर 100 ग्राम, 100 ग्राम है, तो ग्राम को आपको किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 1000 का भाग देते हैं, तो 1000 दो जीरो से दो जीरो कट गए, 1/10 केजी, किलोग्राम में होना चाहिए द्रव्यमान, हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए। उसके बाद अपना है वेग, वेग है 500 मीटर प्रति सेकंड, तो वेग मीटर प्रति सेकंड में ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो 5/18 से गुणा करके निकालेंगे। उसके बाद है अपने पास उसकी गतिज ऊर्जा, क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं, गतिज ऊर्जा निकालने का सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा E कैसे लिखते हैं, 1/2 m v स्क्वायर, m का मतलब द्रव्यमान, v का मतलब वेग, तो यहां निकाल लेते हैं 1/2, m का मान कितना है 1/10 इंटू v का मान क्या है 500, लेकिन यहां पे स्क्वायर है तो दो बार 500 लिखेंगे, तो ये एक जीरो से तो एक जीरो कट कर दो, ये से कटेगा तो कितना आ जाएगा 25, अब इसको इससे गुणा कर दो अपना उत्तर आ जाएगा, तो 25 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा जूल। गतिज ऊर्जा किसमें, ऊर्जा किसमें होती है, जूल में, तो ये आ गया जूल। आप इसको इस तरह से कर सकते हो, पहले वाले सवाल में देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का ये देखो वेग दिया हुआ है, तो e की जगह ये v की जगह ये रखेंगे, और साथ में द्रव्यमान दिया हुआ है तो m की जगह
ये रखेंगे, ठीक है। उसमें देखो ऊपर वाले में आपको गतिज ऊर्जा दे दी, तो गतिज ऊर्जा की जगह मान रख देंगे, पहले से इधर गतिज ऊर्जा की जगह मान रख देंगे। देखो ये सवाल इधर करके देखते हैं तो अपने को समझ में आ जाएगा। इधर वाला पहला सवाल आपको गतिज ऊर्जा यानी ई के बराबर दिया हुआ है 2500 जूल, ठीक है। उसके बाद आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, एम बराबर आपको दिया 50 kg और आपको v बराबर ज्ञात करना है। तो आप सूत्र वही लगाएंगे, e के बराबर 1/2 mv2। e के का मान कितना है वो रख दो, 1/2 × m का मान कितना है 50 और × v2। अब v2 को इधर रखो, बाकी संख्या को इधर लो, ये से कट रहा है 25 से, 25 को इधर लाएंगे तो भाग में आएगा, तो 25 से कटेगा कितनी बार, 100 बार। तो v2 बराबर कितना आ गया 100, v बराबर निकालेंगे तो √100 का मान कितना होता है 10 मीटर प्रति सेकंड। देखो इसमें v से निकालना था, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं, इसी तरह इसको भी सवाल को कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए आपको इस तरह से करना है। ये सूत्र लगाना है गतिज ऊर्जा का, 1/2 mv2, गतिज ऊर्जा आपको निकाल लिया जाए तो 1/2 mv2 वाला सूत्र लगाना है। इसके बाद अगले टाइप के सवाल देखते हैं जो स्प्रिंग वाले सवाल आते हैं। स्प्रिंग वाला सवाल देखते हैं, आपको दिया है स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक को कैसे लिखते हैं याद रखना। स्प्रिंग नियतांक क्या होता है, 6×10⁴ मीटर प्रति मीटर है, इसे माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर में खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा, बीच में से 1 सेंटीमीटर खींचते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। अगला सवाल है एक स्प्रिंग का नियतांक, फिर से स्प्रिंग का नियतांक आपको दिया हुआ है, इस स्प्रिंग को 0.04 मीटर संपीड़ित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, संपीड़ित माने खींच ले या दबाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। एक स्प्रिंग को 0.2 मीटर खींचने में 0.4 जूल कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर स्प्रिंग नियतांक लगाना है, तो सूत्र वैसा का वैसा ही लगेगा, सवाल वैसा ही है। तो पहला सवाल अपन देखते हैं इसका, तो उसी तरह सारे सवाल, तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको स्प्रिंग नियतांक लिखना है, स्प्रिंग नियतांक को किसे लिखते हैं, के से, के बराबर कितना है 6×10⁴ न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है संपीड़ित मतलब खींच रहा है, इसको लिखते हैं एक्स से, तो एक्स का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, तो यहां सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, अपन लगातार पढ़ रहे थे मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1/100 का भाग देते हैं, तो यह आ गया मीटर में, ठीक है। अब आपको क्या क्या करना है, कार्य, तो कार्य बराबर यहां स्प्रिंग के लिए कार्य क्या होता है 1/2 kx2, क्या होता है kx2, w बराबर यानी कार्य बराबर सम। स्प्रिंग के लिए आपको यही सूत्र लगाना है, किसके लिए, स्प्रिंग के लिए, याद रख लेना स्प्रिंग के लिए ये सूत्र लगाना है। तो मान रख देते इसका 1/2 k का मान कितना है, पहले सवाल में 6×10⁴ इंटू एक्स का मान कितना है ये रहा 1/100 × 1/100, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये से कटेगा 3 बार। अब यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3×10⁴ का मतलब 10 के आगे 4 जीरो लगा दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना उतर आया 3 जूल। तो इस तरह से अपने कर सकते हैं इस सवाल को। स्प्रिंग वाला सवाल बिल्कुल आसान होता है, अपन इसको मुश्किल समझ के छोड़ देते हैं, तो इस तरह से ये सवाल है। तो देखो आपको इस सवाल में पहले ही इसने ऊर्जा दे दी, तो इस सवाल में देखो इसको कैसे करते हैं, अगर पहले ही मान दिया हुआ है तो W बराबर होता है kx2, 1/2 kx2, तो देखो यहां पर रख देंगे 0.04, 1/2 k का मान k रहने दो, x का मान कितना रखेंगे 0.02 मीटर दिया हुआ है, तो 0.2 बार रखेंगे 0.02 × 0.02, तो देखो इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 × ये 2 इधर आएगा भाग में 4, और इधर k है और ये आएंगे इसके भाग में 0.02 × 0.02, क्योंकि इन सबको इधर लाएंगे गुणा में है, जो भाग में आएगा भाग में आएगा वो गुणा में आएगा, ये बराबर है k। देखो इसका पॉइंट हटाएंगे यहां से तो बट्टे में 10 आएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो इसके और 2 जीरो इसके, तो अब जो कट रहा है वो काट दो, देखो 1 जीरो से 1 जीरो, ये 2 के बड़े से ये 2 कट गया 2 से 2 बार, तो 2 आगे पड़ा है 2000
न्यूटन प्रति मीटर या 2 × 10³ न्यूटन प्रति मीटर आप लिख सकते हैं इसका। तो ये इस तरह से ये लास्ट वाला सवाल कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए स्प्रिंग वाला, आपको सूत्र कौन सा लगाना है ये वाला सूत्र आप कोई सा भी सवाल कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं अपना अगला तरह के सवाल जिसमें अपने को क्या दिया होता है, विद्युत शक्ति दी होती है और यूनिट के अंदर अपने पूछता है विद्युत कितनी खर्च हुई है यूनिट के अंदर बताओ। तो उस तरह के सवाल है, देखो दिया हुआ है एक फ्रिज की औसत शक्ति 100 वाट है, यानी शक्ति दी हुई है 100 वाट। प्रतिदिन फ्रिज द्वारा खर्च की गई ऊर्जा ज्ञात कीजिए, एक दिन में कितनी ऊर्जा खर्च करेगा वो याद देना है। उसके बाद यह 60 वाट का एक बल्ब 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है तो 30 दिन में कुल कितना, 60 वाट का है 8 घंटे प्रतिदिन 30 दिन में कितना यूनिट खर्च करेगा। एक घर में 5 युक्तियां हैं प्रतिदिन 10 घंटे जलती है, उपयोग में ली गई इसमें से उपयोग में ली जाती है, यदि इसमें 2 युक्तियां 200 वाट की और 3 युक्तियां 400 वाट की है तो उसके द्वारा कितना यूनिट खर्च होगा। तो देखो अपन इसमें सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर अपन देख लेते हैं जो 19वां है उसका देख लेते हैं ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए। तो आपको देखो शक्ति दी हुई है, शक्ति यानी W बराबर आपको दिया हुआ है वो है 60 वाट, ठीक है। समय कितना है प्रतिदिन, समय वो कितना है 8 घंटे, ठीक है। और दिन कितने हैं 30 दिन, कितने दिन है 30 दिन। आपने को क्या ज्ञात करना है इसका, विद्युत ऊर्जा, यानी ऊर्जा ज्ञात करनी है किसके अंदर, यूनिट के अंदर। तो यूनिट के अंदर ज्ञात करने के लिए अपन क्या रखेंगे, यहां पर रखेंगे P × T यानी समय, P मतलब विद्युत शक्ति। तो शक्ति कितनी है 60 × समय कितना है, एक घंटे में 8 दिन चलती है और टोटल 30 दिन। देखो यहां घंटे भी रखना है प्रतिदिन वाला और कितने दिन जलाते हैं वो भी रखना है। तो देखो अब क्या करना है आपको, यूनिट में चेंज करने के लिए अगर वाट है तो इसको 1000 का भाग करेंगे किलोवाट में चेंज करने के लिए, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगा, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कट हो गया, तो कितना आ गया ऊपर 8 × 6 × 3। तो इसे गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको तीनों को गुणा कर लेते हैं 8, 6 और 3 को 144/10, इसमें भाग करेंगे तो कितना है 14.4 यूनिट। तो इस तरह से अपने कोई भी सवाल आता है इसको कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट वाला सवाल और देख लेते हैं, ये आपको अलग लगेगा कि अलग तरह का सवाल है। तो देखो इसमें क्या है, जो शक्ति है वो देखो किस तरह से, 200 वाट का एक बल्ब है और 400 वाट का है दो, 200 वाट के दो तो कितने हो गए 200 × 2 प्लस 400 × 3, कुल शक्ति ज्ञात करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, 200 के 2 है तो 200 के 2 कितने हो गए 400 और इसके कितने हो गए 1200, जोड़ा तो कितने हो गए 1600 वाट के पास अपने पास कुल शक्ति है, ठीक है। प्रतिदिन समय कितना है, प्रतिदिन का समय है वो है 10 घंटे। देखो इनके द्वारा एक दिन में कहेगी तो एक दिन में, तो देखो अपन निकालते हैं ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा किसके अंदर, यूनिट के अंदर। तो क्या समय होता है P × T, P का मान कितना निकाला है 1600 वाट, × T कितना है 10 घंटे प्रतिदिन और कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए निकालते हैं। यहां अपने को रखना है शक्ति, फिर उसके बाद घंटे और फिर दिन, तो इसका मान रख लेते हैं। तो अपने को चेंज करने के लिए, यूनिट में चेंज करने के लिए 1000 का भाग करेंगे तो 1000 से क्या हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा, तीसरे जीरो, तो कितना आ गया 16 यूनिट, कितना आ गया 16 यूनिट। तो इस तरह से अपने कोई भी सवाल आ जाए तो कर सकते हैं। पहले सवाल मैंने को आपको दिया हुआ है शक्ति दी हुई है ये रही और कितने दिन में, एक दिन में, तो एक दिन में घंटे कितने होते हैं, देखो पहले घंटे लिखा जाता है तो घंटे कितने होंगे 24 घंटे, तो 24 घंटे से इसको गुणा करेंगे तो अपने यूनिट आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी सवाल आ जाए आप इसको कर सकते हैं। अगला सवाल देखो ये थोड़ा अलग टाइप का था और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छी तरह करिएगा ताकि आपको आसानी से इसके नंबर मिल जाए। तो देखो क्या सवाल दिया है, एक घोड़ा क्षिति से 60 डिग्री कोण पर 30 न्यूटन बल लगाता हुआ पीछे बंदी गाड़ी को 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट तक खींचता है, तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य और उसकी शक्ति। तो देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। पहले आपको दिया हुआ है भार, भार कितना दिया हुआ है 30 न्यूटन, न्यूटन में क्या होता है भार। उसके बाद आपको कोण दिया हुआ है, कोण कितना है या बल कह सकते हैं, ये बल कह दो, भार कह दो या बल कह दो।
ठीक है, कोण दिया हुआ है थीटा बराबर आपको दिया हुआ है वो है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद चाल दी हुई है वो है 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो 7.2 को आप किलोमीटर प्रति घंटा तो अपने को यूज ही नहीं करना, अपने को करना है मीटर प्रति सेकंड। तो देखो 7.2 इंटू 5/18 कर देते हैं, 5/18, तो इसको इसे कटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4, और 0.4 को इससे गुणा करेंगे तो 2.0 मीटर प्रति सेकंड, यानी दो एक सेकंड में कितने मीटर जाता है 2 मीटर, ठीक है। अब अपने को समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है 1 मिनट, कितना दे रखा है 1 मिनट। तो देखो वो चल के जाता है 1 मिनट तक भागता है, तो 1 मिनट में तय दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मिनट में तय दूरी, देखो 1 सेकंड में 2 मीटर जाता है, 2 सेकंड में 4 मीटर, तो 60, 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, तो 2 × 60 तो कितना हो जाएगा, यानी इसको कह सकते हैं 60 सेकंड में अपन कह सकते हैं 120 मीटर, यानी 60 सेकंड में कितना जाएगा 120। ये सारा का सारा प्रोसेस उसने दूरी के लिए दिया था। अब अपने को ज्ञात करना है इसका कार्य, तो कार्य बराबर अपने को पता होता है एफ एस कॉस थीटा, कौन दिया हो तो एफ एस कॉस थीटा, घोड़ा कैसे जाता है ऐसे जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं है ऐसे जा रहा है, तो एफ का मान कितना दिया हुआ है, ये आपको डब्ल्यू बराबर यानी कार्य बराबर ये दिया हुआ है, तो इसका मान निकालेंगे तो एफ बराबर दिया हुआ आपको 30 न्यूटन, तो यहाँ रखिए 30। एस का मान कितना दिया हुआ है, एस का मान अपने दूरी ये निकाली है 120 मीटर के अंदर होनी चाहिए मीटर, और कॉस और थीटा की जगह 60, तो इसको देखो गुणा करते हैं इसको तो कितना जाएगा 30 को इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो ये से कितना गया कितना जाएगा 1800, तो कितना गया 1800 जूल। ये तो आ गया अपना कार्य। अब शक्ति निकालिए, तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो देखो रखते हैं कार्य कितना है, कार्य बराबर है 1800 जूल, और समय कितना है, समय भी निकाला था 1 मिनट यानी 60 सेकंड, तो सेकंड के अंदर समय रखते हैं तो ये से कट जाएगा 6 से ये कट जाएगा 30, तो कितना आ गया शक्ति बराबर कितना आ गया 30 वॉट। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था, आप इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा क्योंकि इस बार पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये थे आपके पूरे 11वां पाठ कार्य ऊर्जा और शक्ति के सभी के सभी महत्वपूर्ण और सभी के लगभग सारे न्यूमेरिकल आपको इसके अंदर कवर करवा दिए हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका परीक्षा के अंदर एक भी सवाल 11वें पाठ से नहीं छूटेगा। अगर आपने लगातार पूरा देखा है और कॉपी में इसको साथ में नोट करके और इस बाकी जो प्रश्न लिखे हुए थे सिमिलर किए थे, जो नहीं किए उनका आप अध्ययन कर लें ताकि आप पेपर में कोई प्रश्न आपसे छूटे नहीं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करके बताएं। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।